हॉस्टल में अदम सहूलियात। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के तालिबात ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लेडी कॉन्स्टेबल्स यूनिवर्सिटी पहुंच गई। तालिबात ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया। गवर्नर बलोचिस्तान मुजाकरात के लिए पहुंच गए। हॉस्टल में पानी है और ना ही गैस। यूनिवर्सिटी तालिबात ने एहतजाज शुरू कर दिया। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ने वीसी ऑफिस के शीशे तोड़ दिए। मुजाहिरीन ने क्लासों का बॉयकॉट करते हुए यूनिवर्सिटी की बसें भी रोक ली। इंतजामिया ने एहतजाज खत्म कराने के लिए लेडी कॉन्स्टेबल्स को बुलाया तो तालिबात ने गेट अंदर से बंद कर लिया। तालिबात का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से उन पर तशद्दुद कराया जा रहा है। लगातार लड़कियां इस चीज पे फोकस कर रही हैं कि हम लोग को कुछ छुट्टी दी जाए ताकि हम लोग यूनिवर्सिटी की या जो फालतू की मैनेजमेंट है जो हमें ना गैस प्रोवाइड कर रही है ना हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है उससे हम लोग बच सके। नाखूनों से मारे सर, इतने बुरे तरीके से पट्टे तक उतार दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि अपने जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।